नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीधा डेरा सच्चा सौदा से लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक वेल एजुकेटेड लड़की, जानते हैं आखिर क्या है बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? मनप्रीत जी। कितने समय से आप डेरा से जुड़ी हुई हैं? करीब 5-7 साल की उम्र थी जब से जुड़े हैं। आप इतने लंबे समय से डेरे से जुड़ी हुई हैं, काफी कुछ आपको जानकारी होगी, काफी कुछ आपने नजदीक से देखा होगा, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट रूप से बताइए कि गुरुजी ने आपको कैसी शिक्षा दी है? बहुत अच्छी शिक्षा दी है, वो हमारे लिए भगवान है। अगर बात की जाए, जैसे कि आप एक महिला हो, यूथ हो, तो आपको क्या लगता है कैसी सेफ्टी आपको यहाँ दी जाती है? बहुत अच्छी। तो क्या आप आगे भी यहाँ से जुड़े रहोगे? हाँ जी बिल्कुल। काफी कुछ मीडिया ने, काफी बाहर लोग कह रहे हैं कि हाँ महिलाओं के साथ काफी गलत व्यवहार होता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कुछ भी नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता। अगर बात की जाए समाज को लेके, तो समाज के लिए आज गुरुजी की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या किया है गुरुजी ने समाज के लिए? बहुत कुछ किया है, हम बयान नहीं कर सकते क्या किया है गुरुजी ने हमारे लिए, समाज लिए, और कर भी रहे हैं। लड़कियों के लिए क्या किया है गुरुजी ने? बहुत कुछ किया है, हमें आत्मनिर्भर बनाया है, आत्मविश्वास। आप काफी पढ़े लिखे हो, उसके बावजूद भी आप डेरे आते हो, कहीं आपकी अंधभक्ति तो नहीं? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे कर्म है हमारे, जो मम्मी पापा ने हमें इस लाइन में जोड़ा, डेरे के साथ जोड़ा। क्या आपके परिवार के सभी सदस्य डेरे से जुड़े हुए? हम कहीं भी नहीं जाते, किसी भी बाबा गुरु किसी को नहीं मानते, सिर्फ डेरे में आते हैं, और हमें सब कुछ मिलता है, जो हम नहीं मांगते वो भी पिताजी जो हमारे लिए जायज होता है वो दे देते हैं। आप आगे भी डेरे से जुड़े रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम जो भी मांगते हैं गुरुजी हमें दे देते हैं। बस समाज के लिए यही संदेश है कि जो मीडिया दिखा रहा है वो कुछ भी नहीं हो रहा डेरे में, बस गुरुजी हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? जल्दी हमें न्याय दिलाए।